हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज है डेट 29 नवंबर, टाइम हो रहा है 7:00 और हम हो चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए लेट, तो मुझे जाना है ब्रेकफास्ट करने। क्या प्राइस है? 500 है, 400 है। स्कूटी का एक दिन का? अच्छा, बाइक रेंट के लिए पता करने जा रहे हैं। और जो 250 रुपये कल आपको दिखाया था वो 250 नहीं था, वो 300 था। कहते हेलमेट के साथ 300 रुपये। तो अभी हमने एक बाइक रेंट वाले से बात करी है, तो 300 रुपये वो मांग रहे हैं अगर हम उनको शाम को वापस करते हैं 8:30 तक। इन केस अगर हम 8:30 से ज़्यादा रखना चाहते हैं या अगर हम नहीं आ पाते कल देते हैं तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा, यानी कि 400 रुपये कल 9:30 बजे तक के। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा हमको, इसलिए आप 4 जगह से पता करिए, उसके बाद ही आप जाकर के अपना डिसीजन लीजिए आपको कहाँ से रेंट करनी है। अभी मैं जा रहा हूँ ATM, मुझे पैसे निकालने। अंकुर के यहाँ पे जो है कोई रिलेटिव्स भी रहते हैं, तो ये उनके भैया जी हैं, तो ये हमारी थोड़ी मदद करने आए थे। अच्छा, आपका आपका डला लो 100 रुपये का बहुत है यहाँ उदयपुर। लेते समय आप ये ज़रूर करिएगा कि एक बार चारों तरफ से राउंड मार लें और हो सके तो वीडियो बना लें। इन केस अगर आपको कुछ भी वो कहेगी इधर से टूटी फूटी, जो कि आपसे नहीं हुई हो, आप बच सकते हैं उस चीज़ के लिए। वो यहाँ नहीं, कहीं पर भी, जहाँ पे भी आप ये सारी चीज़ें रेंट वगैरह पे जो लेते हैं। और अंकुर बड़ा खुश है स्कूटी मिलने के बाद। और कोशिश करिएगा कि आप पीली नंबर प्लेट, यानी कि इस तरीके की नंबर प्लेट वाली ही लें, इन केस अगर आपको पुलिस ने पकड़ा तो दिक्कत आपको होगी। पेट्रोल डलवा लिया, अब जा रहे हम करनी माता मंदिर। और ये मेरा GoPro है, आवाज़ कैसी आ रही होगी मुझे नहीं मालूम, और मैं कैसा लग रहा हूँ जोकर बिल्कुल ये मालूम है। अंकुर थोड़ा दुखी है, अंकुर के पास लाइसेंस नहीं है ना, अंकुर चला नहीं सकता। भैया करनी माता रोक रहे, करनी माता जाना आपके पीछे। उदयपुर के लोग कितने अच्छे हैं, उनसे रास्ता पूछा हमने, वो कह रहे हैं हम छोड़ के आएंगे आपको, आपकी चिंता कर रहे हैं। देख रहा है आठ में बच्चा आ गया, बोल दे किसी को निकाल भी देंगे। रुक पे आगे चढ़ाई पे एक रोड बनी है बीच में, जो पीछे पीछे घूम के यहाँ पे। अच्छा शुक्रिया। तो हमने अभी ले लिया ये रोपवे की टिकट, अभी हम लोग आगे बैठ गए हैं रोपवे में, और टिकट आपको संभाल के रखना होगा। और अंकुर की बार बार जिद के बाद, अंकुर रोपवे में बैठना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि पूरा आपको एक साइड पे व्यू मिलता है उदयपुर का। लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है जिसमें दुनिया उनसे छोटी दिखती है। अच्छा, और उस चीज़ को देख के क्या कहते हैं उसको, आश्चर्यचकित होता है, जो उनसे बहुत बड़ी होती है। सर्वज्ञानी बाबा अंकुर जी महाराज। तो अभी 1:30 बज रहा है और हमें जाना है वापस अपने हॉस्टल पहले, क्योंकि GoPro और ये डिस्चार्ज हो गया, पता नहीं क्यों, पर हो गया तो हो गया, अब दोबारा से चार्ज करना पड़ेगा। तो मोबाइल कैमरा जितनी चीज़ें थी सारी चीज़ें चार्ज करके अब हम निकल रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट की तरफ। और लग तो ऐसा रहा है कि हम लोग लेट हो चुके हैं थोड़ा बहुत, बट कोई बात नहीं, हमें 2 जगह जाना है, सज्जनगढ़ फोर्ट और बाहुबली हिल कुछ करके है, बड़ी लेक बोलते हैं इसको। जा पाए तो जाएंगे, नहीं जा पाए तो कुछ खा पी के वापस आ जाएंगे। नीचे एक वॉल्स वगैरह है, हमें वो देखनी है किसकी है, क्योंकि वो इंडिया से नहीं है, बाहर से है, बाहर से विलायती।
कोई अपनी कैंप पर लेकर के किसी पता नहीं कौन से देश से ट्रैवल कर रहा है, वो ऊपर से हमको देखी, जब नीचे जाएंगे तो देखेंगे। तो खैर अभी हम आए सज्जनगढ़ पैलेस, जिसको मानसून फोर्ट भी कहते हैं, मानसून पैलेस भी कहते हैं, महाराजा सज्जन सिंह ने बनवाया था। और बाकी डिटेल जो हैं, जैसे मैंने विकिपीडिया से देख के बोलने की कोशिश करी, आप पढ़ने की कोशिश कर लेना, आपको पता चल जाएगा क्या है। सज्जनगढ़ पैलेस जो है, मॉनसून पैलेस, बेसिकली अंदर क्या है, फोटोज लगाई हुई हैं, वो भी अलग अलग जानवरों की, नीचे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उसके बारे में बताया हुआ है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, पर एक चीज़ है जिसके पैसे हैं। दोनों तरफ का व्यू है, इस तरफ आपको हरा 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 सब दिखेगा, इसके अपोजिट साइड जाएंगे वहाँ आपको पूरा उदयपुर दिखेगा। हिल है तो सही, पर अभी सनसेट के लिए हम लोग आए थे, पर मेरा जो ये अब आवाज़ में फ़र्क पता चल रहा है इसकी वजह से, जो इसको बोलते हैं विंडशील्ड भी कहते हैं, इसको डेड कैट भी कहते हैं, ये नीचे गिर गया था तो उस चक्कर में जो है सारा सनसेट मिस हो गया। इतना ऊपर चढ़ना था, ऊपर ऑलमोस्ट चढ़ चुका था मैं, उसके बाद नीचे भागना पड़ा दोबारा इसको ढूंढने के लिए, और जहाँ से चढ़ाई शुरू करी थी वहाँ ये पड़ा था। तो जिस जगह की मैं आपको बात बता रहा था, जो व्यू, वो मेरे पीछे। बोलूँ क्या मैं? वापस चलते हैं। वाह, इतनी अच्छी जगह पे आकर के ये लड़का कह रहा है कि वापस चलते हैं। मैं यहाँ पहले अकेला आने वाला था, तो ये भाई साहब चेन्नई से वापस आए, तो मैंने इससे बस ऐसी जिक्र करा कि चलते हैं, चलेगा, मेरी टिकट्स बुक थी, इसने कहा हाँ चलूँगा, तो मैंने टिकट कैंसिल कराई और पैसे कटे उसमें, मैंने होटल अपना कैंसिल कराया, फिर दोबारा से बुक करा, फिर इसके साथ टिकट्स बुक करी, वेट RAC थी, कन्फर्म नहीं हुई थी, सारी चीज़ें करने के बाद और यहाँ पर जब पहुँचे हैं आकर के, इतनी मेहनत करने के बाद, और यहाँ आके ये लड़का क्या कह रहा है, वापस चलते हैं। तो ऐसे लड़कों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और ये हंस रहा बदतमीज पीछे, मतलब ही इज लाफिंग। अभी पीछे चलेंगे ज़रूर, पर ये जगह क्या, मतलब ये अपना इंडिया का नूसा पनीदा है, एक नूसा पनीदा आइलैंड है बाली में, और एक है यहाँ पे, ये हमारे इंडिया का नूसा पनीदा, बिल्कुल वही फील है, बस फ़र्क इतना है वो समुद्र में, ये लेक में। तो ऐसा हम खाएंगे मैगी, आप भी खाइए जो आपके घर में पड़ा हो। हम लोग अपने हॉस्टल आ गए, थोड़ा रेडी वगैरह हो करके हाथ मुँह धो के फिर बाहर निकले खाना खाने के लिए। तो जब हम वहाँ पर थे, तो अब मैंने कहा कि अब दूसरी जगह जाना है, तो अंकुर ने मुझे एक डायलॉग बोला, सब कुछ एक दिन में नहीं कर सकते हैं। पर इस डायलॉग का मज़ा तब ज़्यादा आता अगर ये खुद मुझे दीपिका पादुकोण ने कहा होता। तो अभी हम आए हैं अन्ना रेस्टोरेंट, हमने पूछा था कि भाई कहाँ खाना खाएं, तो उन्होंने हमें सजेस्ट करी कि अन्ना रेस्टोरेंट में आएँ, अगर राजस्थानी खाना अच्छा खाना है आपको। कितने की थाली है? 200 की है राजस्थानी थाली। तो अन्ना रेस्टोरेंट नहीं जा रहे आप? जा रहे हैं। सही था, खाना अच्छा था, बट 200 रुपये में खाली दाल बाटी, जमी नहीं भाई बात कुछ। और कभी और उदयपुर आएंगे, जब ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे मेरी और कोई उदयपुर से देखे तो बताना कि गट्टे की सब्ज़ी वगैरह कहाँ मिलती है, कौन खिलाता भैया। अभी हम लोग अपने रूम की तरफ जा रहे थे, तो मैं जैसे कि फ्रेंच सीख रहा हूँ, तो अंकुर के कॉलेज में भी फ्रेंच है, ये 2 सेमेस्टर में, तो हम लोग फ्रेंच ही बातें कर रहे थे, तो वही चल रहा था कि भाई सिर्फ रट्टा मार मार के लिखो, रट्टा मार मार के लिखो, पर आपके भाई ने समझाया नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, रट्टा कैसे मार लोगे? मैंने बोला कि मैं लिखता हूँ, फर्रे वर्रे बनाओ सीधा, मतलब रट्टा रट्टा क्या होता है।